दोस्तों स्वागत करता हूं आपका गंभीर सिंह एग्जॉटिक पैरट चैनल में। दोस्तों मैं पैरट दीपांकर तो बन नहीं सकता हूं क्योंकि मैं उनके बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकता हूं, पर लेकिन अपने शौक़ को बढ़ाने के लिए अपने तरीके से कुछ ना कुछ इस तरीके से सेटअप बना रहा हूं। मेरे बर्ड इस प्रकार रहें, इस सेटअप में उड़ें, अपनी फ्लाई पूरी करें और अपना फुल एंजॉय करें। तो दोस्तों आज हम आपको दिखा रहा हूं मेरे सेटअप किस तरह बनाया है मैंने। धीरे धीरे अपना शौक करने के लिए, अपने बर्ड को खुशहाल रखने के लिए इस तरह से सेटअप मेरा बन रहा है। अब काम चल रहा है इस पर, अभी थोड़ा काम रह गया है नीचे, अभी इसके नीचे चिनाई वगैरह होनी है। बस प्राइमर चल रहा है दोस्तों, कुछ प्राइमर हो चुका है, कुछ अभी रह गया है। तो दोस्तों आपको हमारे बर्ड के हिसाब से हमारा सेटअप कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने भाई को, छोटे भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। कुछ दिन बाद हमारे बर्ड इस सेटअप में कैसे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, इन्जॉय करेंगे। काफ़ी बड़ा सेटअप है दोस्तों, इसकी चौड़ाई जो है ये वाली, ये 32 फिट के करीब बैठेगी। ये पूरी लंबाई 32 फिट है दोस्तों, 32 फुट इसकी चौड़ाई है। और दोस्तों ये वाली जो लंबाई है ये 40 फिट है, यहाँ से 40 फिट ये इसकी लंबाई 40 फिट है। और इस दीवार से ऊपर तक दोस्तों ये 10 फिट है, 10 फिट ये 10 फिट की ऊंचाई है इसकी। और नीचे दोस्तों ये 5 फिट है, 5 फिट की दीवार है। तो कुल मिलाकर इसकी ऊंचाई 15 फिट है। और ये इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं मैंने, इसमें आम है, अमरूद है, चीकू है, अनार है, नीम के पेड़ भी हैं, सहसूत भी है, एरी के पाम भी हैं, बहुत सारी ये वैरायटी लगा रखी है मैंने कि हमारे ये केला भी है और कुछ ये फूलों के पेड़ हैं, कनेर भी है और आपकी ये और भी सारे बहुत सारे पेड़ हैं। ये अर्जुन का पेड़ है, ठीक है, और ये भी दिखा दूँ, ये अभी काम होना बाकी है। अभी ये हमारा कुछ और भी फुलबाली पड़ी हैं, ये पेड़ हैं। और आपके ये देख सकते हो ये ऊपर पेड़ जा चुका है, तो उसके ऊपर ये नीम गलो की बेल हो चुकी है। थोड़ा काम हमारा वहाँ बाकी रह गया है अभी। और ये गेट थोड़ा ऊपर लगेगा, यहाँ दीवार लगेगी ऊपर, ये गेट ऊपर चला जाएगा। ये शुरुआत में हमारा सामान इसमें रहता था, तो इस वजह से हमने शुरुआत में बाउंड्री कराई थी, ये गेट नीचा था। अब ये गेट ऊंचा चला जाएगा, ये दीवार है, दीवार के सहारे ये काम चल रहा है। अभी नसैनी रखी हुई है, तो काफ़ी ऊंचा सेटअप है हमारा, काफ़ी बड़ा सेटअप है हमारे बर्ड के लिए। कैसा रहेगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखना, सेटअप कैसा है आपके छोटे भाई का और किस तरह अपने बर्ड के लिए रखने के लिए हमने बनाया है। जितने भी भाई हैं सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो बर्ड से रिलेटिव, बर्ड से प्यार करते हैं, किस तरह का हमने अपने बर्ड के लिए सेटअप बनाया है वो भी बताएं हमें, ठीक है। अभी काम चल रहा है, थोड़ा काम है यहाँ पे भी दोस्तों, साफ सफाई होनी है बिल्कुल। अभी जाली पड़ी हुई है, ये अभी काम होना है। केजेस वगैरह भी बनने हैं, कुछ बर्ड ऐसे हैं हमारे वो केजेस में भी रखे जाएंगे, कुछ बर्ड इसमें खुली एबरी में छोड़े जाएंगे। कुछ बच्चे निकलते हैं हमारे रोज़ेला वगैरह, उनके बच्चे इसमें छोड़े जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी बनता है। आपके छोटे भाई ने बहुत मेहनत की है इस सेटअप बनाने में। एक ज़िंदगी में एक अरमान था कि मैं अपने बर्ड के लिए बड़ा सा सेटअप बनाऊं, अच्छा सेटअप बनाऊं। तो इससे अच्छा सेटअप तो दोस्तों मेरे पे नहीं बन सकता था। जो मेरी
गुंजाइश थी बनाने के लिए, उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से ये बना दिया। ये देखिए काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मजबूत तरीके से मैंने बनाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बाहर से भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये अंदर का नज़ारा था और मैं बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी छत पर भी आपको दिखाऊंगा। ये हमारे सेटअप का बाहर का नज़ारा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये हमने अपने खेतों पर बनाया, कुछ ईंटें रखी हैं। ये दोस्तों बाहर का नज़ारा है, बाहर से देखोगे इसके ऊपर टीन वगैरह भी पड़ेगी। ये देखिए बेल ऊपर ऊपर आ चुकी है। ये बाहर का व्यू है, ये हमारे खेत है, ये घर है, ये घर बना हुआ है, ठीक है। और ये हमारे गांव, ये सामने गांव है, ये गांव है हमारा, गांव से बाहर अपना सेटअप बनाया हमने। तो आपको हम ऊपर चढ़ के दिखाते हैं। ये देखिए अभी दोस्तों सीढ़ी वगैरह है नहीं, काफ़ी ग्रीनरी है हमारे सेटअप। ये ऊपर का नज़ारा है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कैमरा थोड़ा हिलेगा। दोस्तों ये हमारे सेटअप के ऊपर मोर भी चिल्ला रहे हैं, अभी आपने आवाज़ सुनी होगी। ये हमारे सेटअप का नज़ारा है ऊपर दोस्तों। ये देखिए बहुत मेहनत करके हमने ये सेटअप बनाया है, कुछ पेड़ भी ऊपर निकल आए हैं। ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा सेटअप है। ये देखिए मैंने सोचा सेटअप बनाने के बाद ही वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल पर। तो दोस्तों ये हमारे पूरा दिखाऊंगा मैं आपको, ये बाहर का नज़ारा है। ये इधर इस तरफ भी जगह खाली पड़ी है, यहाँ से चले जाओ दोस्तों, बहुत आगे तक है। ये देखिए ये सेटअप है, प्राइमर अभी हो रहा है इस पर, डिब्बे रखे हैं प्राइमर के। ये देखिए ये बाहर का नज़ारा है, ये छत का नज़ारा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, सेटअप अच्छा लगा, अपने भाई को सपोर्ट और लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हो तो, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही इस चैनल पर प्यार बनाए रखिए। देखो आप ये मत सोचो कि इस, देखो मैं चल रहा हूँ, ये देखो सेटअप के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, 10 आदमी ऊपर घूम सकते हो, कितने भी घूम सकते हो। और देखो इसकी सपोर्ट के लिए एक पाइप ये लगा है और एक पाइप उस पेड़ के अंदर आ रहा है वो लगा हुआ है। ये सारे दो पाइप मैंने रोक रखा है ये पूरा सेटअप। और अभी दीवार के सहारे अभी और पाइप लगेंगे, अभी दो पाइप लगे हैं और एक अभी डंडा लगा हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ तक ये जो पाइप है यहाँ तक टीन पड़ेगी, बर्ड के लिए बरसात के मौसम में टीन पड़ेगी, ये इतने पीच में तकरीबन ये 12 फीट के आसपास होगा मेरे हिसाब से, अंदाज़ा बता रहा हूँ, नापा नहीं है मैंने। ये थोड़ा प्राइमर का काम चल रहा है यहाँ पे, थोड़ी अभी ये जाली है काटना बाकी रह गया है। इसके पीछे ही दोस्तों ये हमारी जगह है, इसके पीछे भी आगे चल के भविष्य में हम कुछ ना कुछ बनाएंगे ज़रूर। ये खाली जगह पड़ी है, अभी घास वगैरह हो रही है पर, लेकिन इसे साफ़ करके पीछे बाउंड्री होगी, बाउंड्री होने के बाद ये चीज़ बनाई जाएगी। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके छोटे भाई ने अपना सेटअप किस तरह बनाया है, आपको कैसा लगा है, पेड़ पौधे हमारे बर्ड कैसे रहेंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है पर लेकिन एक ही है, आप सेटअप के बारे में ज़रूर बताएं अपने छोटे भाई को। और हमारे सेटअप के बाहर का व्यूज़ है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यूज़ है यहाँ का। और दोस्तों हम अलीगढ़ में रहने वाले हैं, अलीगढ़ के पास ही रहते हैं, अलीगढ़ के पास ही हमारा गांव है, चारों तरफ एकदम हरियाली ग्रीन, हमारे बर्ड इससे अच्छी जगह में नहीं रह सकते हैं। तो उसी हिसाब से अपने हिसाब से मैंने ये इस तरह सेटअप तैयार किया है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जय हिंद दोस्तों।